तो दोस्तों हमारी भाग नंबर दो डोर की वीडियो है दोस्तों। इसमें हमने मार्जिन पट्टी लगाई है, इसके ऊपर दोनों तरफ से हम बोर्ड के ऊपर लेवल में हाथ वाले रंधे 9 इंची से फिनिशिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों ये दोनों तरफ से हम फिनिशिंग करेंगे, तो आप डोर बनाना चाहते हैं तो फिनिशिंग करना पड़ेगा दोस्तों। और दोस्तों इसकी लंबाई हमारी 88 इंची है, इसमें हमें माइका लगानी है दोस्तों। तो माइका दोस्तों हमने 88 इंची दो सूत के ऊपर कटिंग करना है, और जो मॉटम से हम कटिंग करेंगे उसकी टक्कर पहले सीधा देख लेना है। और दोस्तों हम कटर, जो हाथ का कटर आता है, इसकी माइका कटिंग करने के लिए उस कटर से हम दोस्तों कटिंग करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमने कटिंग कर लिया है, इसकी चौड़ाई है लगभग 43 इंची दोस्तों। तो 21.5 इंची है, तो 21 इंची 6 सूत में हम चौड़ाई में माइका कटिंग करेंगे दोस्तों। दोनों तरफ से हमने निशान लगा लिए हैं। अब मॉटम टेक के दोस्तों इसकी कटर से हम लाइन मारेंगे। और दोस्तों जितनी दूर की हम सनमाइका कटिंग करेंगे उतनी दूर में हम माइका के ऊपर निशान करेंगे, और थोड़ा सा मोड़ के उसको तोड़ लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमने दोनों तरफ ने एक जैसी माइका लगानी है, डबल पल्ले में जोड़िए दोस्तों ये। तो हमने दोस्तों इस डोर के ऊपर फेविकोल डालकर थोड़ा थोड़ा लगा लेना है दोस्तों। लगभग 200 ग्राम एक साइड में फेविकोल डालेंगे दोस्तों। इसकी पल्ले की चौड़ाई हमारी 21.5 इंची और 88 इंची लंबाई दोस्तों। तो 200 ग्राम एक साइड में हम फेविकोल लगाएंगे, और जो हम लगा रहे हैं ये कंघी फेविकोल के साथ आती है दोस्तों, प्लास्टिक की। तो दोस्तों हम एक जैसे लेवल में फेविकोल लगाकर और माइका ऊपर टेक के चिपकाएंगे दोस्तों। पूरा वीडियो को ध्यान से देखना दोस्तों। एक लेवल में फेविकोल लगाना दोस्तों, और माइका पीछे से सफाई करके दोस्तों ऊपर टिकाना, कोई भी कचरा वगैरह बिल्कुल भी माइका का लगा हुआ नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों हमने इसके ऊपर प्रेस, कपड़े से प्रेस करेंगे दोस्तों, ताकि इस माइका के अंदर हवा बिल्कुल नहीं रहे। और दोस्तों हमने दो सूत कटिंग बड़ा किया है, उसको हमारी फाइल से लेवल में कटिंग कर लेना है। इसको हम रेती भी बोल देते हैं दोस्तों, और थोड़ा थोड़ा टेप से हम चिपका लेते हैं। दूसरी तरफ में लगाएंगे तो डबल टेप हम दोनों माइका के एक साथ में लगाएंगे। तो बिल्कुल आसानी से आप भी चिपका सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों हमारी ये भाग नंबर दो है वीडियो, इसमें हमने पहले एक भाग नंबर एक की वीडियो इसमें डाल रखी है दोस्तों। तो पूरा वीडियो देखना चाहो तो दोस्तों हमारी वीडियो पहले वाली भी आप देख सकते हो। बिल्कुल आसानी से फाइल से फिनिशिंग से कटिंग होगी दोस्तों, ये माइका कहीं भी हमारी उठी हुई बिल्कुल माइका नहीं होनी चाहिए दोस्तों। और दोस्तों हमने एक तरफ ने लगा लिया, दूसरी तरफ ने हमें कचरे को साफ कर लेना है पहले से, और फिर फेविकोल वो ये 200 ग्राम या 250 ग्राम इसके ऊपर डालकर हमने चिपकाने हैं। दूसरी तरफ भी सनमाइका, पूरा वीडियो को ध्यान से देखना दोस्तों। और वही फाइल लेके दोस्तों हम पहले तो कपड़े से प्रेस कर लेते हैं। अब दोस्तों इसमें माइका के ऊपर हम दोनों तरफ से टेप लगाएंगे, एक साथ दोनों को चिपकाएंगे दोस्तों।
और चिपकाने के बाद में दोस्तों लगभग 12 घंटे के बाद में इस टेप को हमें उखाड़ेंगे और बाद में हम इसमें लगाएंगे दोस्तों बीनी। तो पूरा प्रोसेस के साथ हम वीडियो आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। अब दोस्तों हमने टेप सारे पलट डोर के ऊपर लगा दिया है और दोस्तों एक एक इंच जगह छोड़ के हमने लगाई है दोस्तों, आप भी लगा सकते हैं। और कपड़े से अच्छी तरह दोनों तरफ से हम प्रेस कर लेते हैं ताकि हमारी बिल्कुल सनमाइका में आवाज नहीं रहनी चाहिए दोस्तों। अच्छी तरह से फेविकोल के ऊपर टिकाओ हो जाए, चिपक जाए। अब दोस्तों हमने जो पट्टी के ऊपर 17 नंबर कील लगाई हुई है इनको हमें पंच से नीचे ठोक देंगे और बाद में हमारे हाथ का रंधे से इसको बिल्कुल सीधा कर लेना है दोस्तों। हम घोड़े की बीणी लगाएंगे इसके ऊपर। तो दोस्तों हमारे ये 18 इंची का रंधा है दोस्तों। टक्कर सही से देखकर बिल्कुल एक्यूरेट सीधा होना चाहिए दोस्तों हमारी बीणी लगाएंगे हम घोड़ा बीणी। तो दरवाजा हमारा बिल्कुल ओके हो जाएगा दोस्तों। अच्छी तरह से हम सीधा कर लिया दोस्तों और ये हमारी बीणी है दोस्तों। और थोड़ा थोड़ा हमने जिस साइड में हम पल्ले के ऊपर रंधा मारा है इस साइड में हम फेविकोल लगाएंगे और फेविकोल लगाकर दोस्तों हम इसके ऊपर बीणी स्क्रू से लगाएंगे दोस्तों। तो हमारी एक दोनों साइड में एक जैसी डिजाइन है इस बीणी की दोस्तों। थोड़ा थोड़ा दोस्तों इस पर फेविकोल लगा लेना है ताकि हमारी बीणी बिल्कुल सेट ओके हो जाए दोस्तों और मजबूत भी होगी दोस्तों। तो दोस्तों हमने दोनों तरफ एक जैसी माइका लगाने हैं, हमारा डोर बिल्कुल भी बेंड नहीं होगा दोस्तों, बेंड की शिकायत बिल्कुल भी नहीं आएगी दोस्तों। काफ़ी कारपेंटर भाई का क्या गलती करते हैं कि एक साइड में थोड़ा सा भारत सलमाई का लगा देते हैं और थोड़ी सी हड़की अंदर की साइड में लगा देते हैं तो हमारे डोर के अंदर बैंड होने का चांस ज़्यादा हो जाता है दोस्तों और वो भी जाता है दोस्तों। तो हमने दोनों साइड में एक जैसी सलमाई का बैंड के लिए लगाई गई है दोस्तों और फिनिशिंग और डिज़ाइन दोनों सेम लगाई गई है। और दोस्तों हमने ये बीणी अंदर इसमें सेट होगा स्क्रू और दोस्तों सेट करके हम दूसरे पल्ले के ऊपर हमने घोड़ा इसी बीणी का नाप का घोड़ा बनाकर इस पल्ले के ऊपर लगाना दोस्तों। तो हमने दोस्तों स्क्रू इसमें 35:8 के स्क्रू लगाए हुए हैं और दोनों तरफ से देख लेना इसमें सही डली है कि नहीं डली है दोस्तों। और दोस्तों हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम कारपेंटर भाइयों के लिए बिल्कुल नया नया वीडियो लेके आएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमने ये हमारी सेट कर दी है बीणी, हमने दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा बड़ा है इसको कटिंग आरी से कर लेना है। एक एक फिट के ऊपर हमने स्क्रू इसमें लगाए हुए हैं दोस्तों। इस दरवाजे की लंबाई है दोस्तों 88 इंची और चौड़ाई है इसकी 43 इंची। तो हमने